अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो, आई थिंक हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली बार कोई वीडियो बनाने लगे हैं, और शायद बनी हो तो पता नहीं, एक आधी बनाई होगी या कहीं किस्सा सुना होगा। हाँ। बहुत ज्यादा बनाई है और बस यही सुना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। सो आज की वीडियो का टाइटल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजार मुबारक कहाँ है, कि उनको कहाँ पे दफन किया गया था, उनकी कब्र कहाँ पे है। सो ये देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और बहुत ही कम किस्से सुने हैं हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ज्यादातर किस्से प्रोफेट मोहम्मद जी के तो है ही है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा है ना। सो अल्लाह के साथ उनके ज्यादा किस्से हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। सो ये देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है, और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को मालूम है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अम्बिया इकराम से था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना, और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है। प्यारे दोस्तों, सूरह अनाम और सूरह गाफिर में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा, ख्वाब में सूरज चांद सितारे मतलब ये है, सूरज को बाप और चांद को माँ, और सितारे यानी भाई यानी हम है, यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए, और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया, और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने भी बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहाँ से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और आपकी कमीज उतार कर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया, और अपने वालिद मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे, और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ों के पास छोड़कर
खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहाँ एक भेड़िया खा गया था। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा अपने बेटों से नाराज़ रहे, यहाँ तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गई। और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाले गए और उन्हीं काफिलों वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज़े मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज़े मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप ये बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे, इसीलिए अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज़े मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिंसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़बरदस्ती करनी चाही और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। प्यारे दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी उस कमरे में अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो इतने बड़े थे, बहुत मजबूत थे। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे। और जब जुलेखा ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाज़ों की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़े मिस्र को खड़ा पाया। जो भी कृष्ण को मानते हैं, जिनका मुझ में विश्वास है कि नीतीश भारत, और जुलेखा भी इतने में वहां आई और उसने जल्द चालाकी से अजीज़े मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे या तो उसे कैद किया जाए और या तो सख्त अजाब दिया जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज़े मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे है और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर मिस्र के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो ये बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आ गए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रोकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की रोशनी चली गई थी,
वो इस कमीज से वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकिया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इसराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहि सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और भी किसी की पहचान में रास्ता ना आया तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वो आकर मुझे बताए। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना, तो जब तक आप वो ताबूत साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला भी उस बुढ़िया के अलावा कोई और ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो क्या बात है। इस पर बुढ़िया कहने लगी, वो इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अय अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो इस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर लो, हम उसे पूरा कर देंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वो दरिया के बीच में दफन था। तो प्यारे दोस्तों, सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम और बनी इसराइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मेरे सो ये था वाकया हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का कि कहां से उनकी स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे उनको मारने की कोशिश करी गई उनके भाइयों ने ही। हाँ, उनके भाइयों ने। उनको लगा कि शायद इनको ऐसा सपना आया है तो ये हमारे बाबा को हमसे दूर कर रहे हैं ना। सही बात है। तो फिर उनको वहां से निकाला गया था, फिर आगे उनको बेच दिया था मिस्र में। तो उनको एक जगह रखा गया कि क्योंकि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे वो, आप सभी को भी बताया और मैंने पहले भी कहा था। तो वहाँ की जो बेगम थी, मेरे को नाम हजरत पता नहीं क्या नाम था उनका, तो वो चाहती थी कि उनके साथ निकाह कर ले, उनके साथ रिश्ते रखे ऐसा करके। तो वो वहाँ से भागे, देन उनको फिर कैद करके रखा और फिर वो वहाँ के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ अलैहि सलाम। तो फिर आगे फर्दर आप सभी ने देखा कि कैसे कैसे क्या होता गया, उनकी जितनी उम्र थी फिर 120 साल तक उनकी उम्र थी, फिर आगे हजरत मूसा अलैहि सलाम को उन्होंने वाक्य बता दिया था। तो ये था हजरत यूसुफ के बारे में, हमें पता लग ही गया थोड़ा बहुत। और बाकी इनके मौजा था जो इनका दूध पीने वाला बच्चे ने ही, हाँ, इनकी गवाही दी, तो वो बहुत बढ़िया था। और बाकी होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और पता लगा होगा वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत, और एक्शन कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताना। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे ब्लॉग्स हैं उनको जाके जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। होप सो आपको पसंद आएंगे ब्लॉग्स। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।